टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपीएसआई के मेरे रैंकर्स विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आप लोगों को तद्भव तत्सम के बारे में बता रहा हूं, यानी कि हम जो है इसके पहले जो बात किए थे वो बात किए थे कि जो स्रोत के आधार पर शब्द है या जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द है उसकी हम बात कर रहे थे और उसी में तद्भोतश्रम के बारे में बताए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि अगर कोई शब्द है तो कैसे हम यह जानेंगे कि यह तद्भव है या तत्सम है। हम बिना जाने हुए, बिना देखे हुए, यानी बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए, हम कुछ शब्दों को ये बता सकते हैं कि ये तद्भव है या ये तत्सम है। यानी हमको याद नहीं है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि यह तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है। यानी इसको हम निकालने की क्षमता हमारे अंतर्गत होनी चाहिए। आज हम उन्हीं कुछ नियमों पर बात करेंगे, यानी हम कुछ नियम पर बात करेंगे और नियम के आधार पर हम यह देखेंगे कि हम शब्द को नहीं जानते हैं कि यह तद्भव शब्द है या यह तत्सम शब्द है, फिर भी हम यह बता देंगे कि यह तद्भव है या तत्सम है। तो आइए कुछ नियम पर बात करते हैं। इसी में हम नियम एक पर बात करते हैं। देखिए, नियम एक क्या कहता है। नियम एक कहता है कि अगर चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं, नियम यह क्या कह रहा है कि अगर जिस शब्द पर चंद्रबिंदु लगे हुए हैं, जिस शब्द पर क्या लगा है, चंद्रबिंदु लगा हुआ है, चंद्रबिंदु लगा है, वह शब्द क्या होंगे, तद्भव होंगे। चंद्रबिंदु यानी कि ऐसे, यही ये चंद्रबिंदु अगर लगा है जिस शब्द पर, वह शब्द समझिएगा कि तद्भव होगा। पहला नियम यानी पहचान का, हमको पता है नहीं पता है इससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर जिस शब्द पर चंद्रबिंदु आ जाएगा वह शब्द समझिएगा कि तद्भव शब्द होगा, वह तत्सम शब्द नहीं होगा। तो आप मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, या आप कोई भी शब्द लिखा है, जैसे अगर मान लेते हैं कि मैंने शब्द लिखा, मैंने यह शब्द लिखा, कोई जिस पर चंद्रबिंदु लगा है, माना कि मैंने लिखा फांसी लिखा, ठीक है, मैंने फांसी शब्द लिखा। अब यह आपको बताना है कि यह फांसी तद्भव है या तत्सम है। मान लीजिए हमने लिखा चांद लिखा, ठीक है, चांद लिखा, हमको यह बताना है कि यह तद्भव है या तत्सम है। हमने गांव लिखा, हमने गांव लिखा, ठीक है, तो अब ये बताना है कि ये क्या तत्सम शब्द हैं या क्या ये तद्भव शब्द हैं। मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों पर चंद्रबिंदु लगे रहेंगे वह शब्द क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। आप इसमें ये नहीं जानते हैं कि क्या है, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द आपको चिड़िया आएंगे, ऐसे शब्द आपको आंत आएगा, ऐसे शब्द आपको कमल आएगा, ऐसे शब्द आपको कहां आएगा, ऐसे शब्द आपको सांप आएगा, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कि जो जिस पर चंद्रबिंदु लगा होगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि यह शब्द तद्भव है या तत्सम है, लेकिन हमको इससे मतलब है कि अगर चंद्रबिंदु है तो यह जो शब्द होगा यह तत्सम नहीं होगा बल्कि यह तद्भव होगा। ये हम क्लियर कह सकते हैं। ये अलग बात है कि इसका कुछ न कुछ तत्सम होगा, वह तत्सम याद है नहीं याद है ये अलग की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका कुछ न कुछ तत्सम होगा। अगर जानते हैं ठीक है, नहीं तो अगर विकल्प में है तो आप लगा सकते हैं।
ये तद्भव है। अब यहां पर मान लीजिए कि इसका तत्सम होगा, कुछ न कुछ होगा। अभी हम अन्य शब्दों पर भी बात करते हैं। मान लीजिए फांसी है तो इसका क्या होगा, पाश होगा फांसी का। चांद है तो इसका क्या होगा, तत्सम चंद्र होगा। अगर गांव है तो इसका क्या होगा, ग्राम होगा। सांप है तो इसका सर्प होगा। आंत है तो इसका अंत्र होगा, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, तत्सम होगा। तो पहला नियम कि जिस पर चंद्र बिंदु आता है वह शब्द तद्भव होता है। आइए हम ऐसे कुछ अन्य शब्दों पर भी बात करते हैं, यानी अन्य शब्दों को हम देखते हैं। देखिए, हम कुछ नियमों पर बात करते हैं और इस नियम के आधार पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहां पर देखिए नियम एक है। नियम एक क्या कह रहा है, नियम एक कह रहा है कि चंद्रबिंदु, यानी जहां पर चंद्रबिंदु लगे हों, ठीक है, चंद्रबिंदु वाले शब्द, जिस शब्द में चंद्रबिंदु लगा हो प्रायः वह तद्भव शब्द होता है। अब यहां पर यह देखिएगा कि मैंने आपको यहां पर तद्भव लिखा है। अब देखिए यहां पर क्या है, आंख है, यहां चंद्रबिंदु आया, ठीक है। यहां आंच है, चंद्रबिंदु आया। आंत है, चंद्रबिंदु आया। आंवला है, चंद्रबिंदु आया। आंसू है, चंद्रबिंदु आया, ठीक है, दिखाई दे रहे होंगे। यानी यहां पर क्या है, ये चंद्रबिंदु आए हैं। अब ये अलग है आंवला, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि ये क्या है, तद्भव है तत्सम है, लेकिन चंद्रबिंदु लगा, आपने कहा यह तद्भव है। आप आंसू जानते हैं कि तद्भव है या तत्सम है, नहीं जानते हैं, लेकिन चंद्रबिंदु लगा है, आप ये समझिएगा कि ये क्या है, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा, अश्व होगा। आंवला आमलक होगा, आंत अंत्र होगा, आंच अर्च होगा, आंख अंक होगा। तो ये क्या है, इसके तत्सम ये रूप हैं। यानी हमने ये कहा कि अगर चंद्रबिंदु आया, यानी पहले नियम के आधार पर मैंने जो बताया था वो देखिए, यानी यहां पर देखिए आवा है, यहां पर आवा है, आवा हुआ, उंगली हुआ, अंगुली हुआ, उंगली, ये दो ठो हो गया, ऊंचा हो गया, ऊंट हो गया, कमल हो गया, कहां हो गया, कांच हो गया। आगे देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, कुंवारा हो गया, खांसी हो गया, चांद हो गया, चांदनी हो गया, छां हो गया, जांग हो गया, ठां हो गया, डांड हो गया, गांठ हो गया, गेहूं हो गया, गांव हो गया, गंवार, परछाई, पांचवा, पहुंच, पांव, पूंछ, पूंजी, फांसी, बाज, बाघ, बांधना, बांसुरी, बांस, बाका, बाया, बूंद, मुंह, मूंग, मूछ, मुदना, यहां, रोआ, लंगड़ा, वहां, साई, सावला, सांस, सूंड, सड़सी, संभल, साड़ी, हंसी, हंसी, हंसी का क्या होगा, हास्य होगा। हंसी का क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा, ठीक है। हाड़ी का क्या हो जाएगा, हंडी हो जाएगी। यानी कि जहां पर आपको चंद्रबिंदु आएगा पहले नियम के अकॉर्डिंग, वह शब्द तद्भव शब्द होगा, यानी उसका कुछ न कुछ तत्सम होगा। यानी पहले नियम से आपका यह क्लियर हुआ कि तद्भव शब्द आप पहचान लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, दूसरे नियम पर बात करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, यहां पर देखिए दूसरा नियम कहता है कि अगर ख आता है, ख, ठीक है, किसी शब्द में मान लीजिए ख आया हो तो ख का छ में परिवर्तन होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। यहां पर दो बातें आप समझिएगा, ये ख का छ में परिवर्तन, जिस तद्भव शब्द में ख आता है तत्सम शब्दों में उसका परिवर्तन प्रायः छ में हो जाता है, यानी इस छ में संयुक्त व्यंजन के छ में हो जाता है। आप ये देखिएगा यहां पर पहला चीज ये समझिएगा कि अगर जिस तद्भव शब्द में ख आते हैं, ठीक है, तो इस ख का तत्सम में क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, तत्सम में छ हो जाएगा।
यानी ख का परिवर्तन किस में हो जाएगा, छ में हो जाएगा, ऐसा ये नियम कह रहा है। तो यहां से दो बातें, एक बात को हम विशेष रूप से चलेंगे, आप अगर ख आएगा जहां पे वहां समझेंगे कि ये तद्भव होगा जिस शब्द में, लेकिन ये 100% बात नहीं है, 100% यह नहीं है, बल्कि यह 70% के करीब में होता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ख आता भी है, ख का परिवर्तन छ में नहीं होता है, किसी अन्य शब्द में हो, अन्य वर्ण में हो जाता है। तो यहां पर एक नियम के आधार पर मैंने आपको बता रहा है, लेकिन अगर जिसमें छ आता है, यह छ जिस शब्द में आएगा वह शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। यानी दूसरा नियम, अगर इसी को हम दूसरे रूप में चलें, तो जिस शब्द में यह छ आता है वह शब्द क्या होते हैं, वह शब्द तत्सम होते हैं, ठीक है। यानी अगर छ आएगा, कौन सा छ, यह संयुक्त व्यंजन क और श से मिलकर के बना होता है, अगर ये छ आया वह शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। तो दूसरा नियम यह कह रहा है कि अगर छ आते हैं तो उसका वह शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। देखिए यहां पर देख लिया जाए, इसके बाद जो है ये नहीं है कि ऐसे ही हम इसको बताते हुए चले आ रहे हैं, मैं इस पर क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगा, प्रमाणित भी करूंगा कि आया हुआ क्वेश्चन है और कैसे आप इसको जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर देखा है अछोट लिखा है, ठीक है, हम ये नहीं जानते हैं, मेरा सिर्फ सेंस ये है कि आपको यह बताना कि आपको तत्सम या तद्भव आपको नहीं आता है, फिर भी आप आंसर करके चले जाते हैं, इस पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। याद करना तो अलग बात है कि याद हो जाएगा तो दिव्यस्ट, उससे अच्छा तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम एग्जाम हॉल में कैसे यह कह सकें कि यह सही क्वेश्चंस कैसे कर सकें, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो यानी ये छ हो गया, अछोट हो गया, ये छ आया यानी ये तत्सम हो गया, अक्षवाट ये छ आया यानी तत्सम हो गया, अंगरक्षक यानी ये छ आया आपका तत्सम हो गया, अक्षय तृतीया यानी छ आया तत्सम हो गया, अक्षी आया छ आया तत्सम हो गया, अक्षय आया तत्सम हो गया, इक्षु आया छ आया तत्सम हो गया। यानी जहां पर यह छ आएगा वह शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और अगर कभी कभी यानी 70-80% के करीब में ऐसा होगा कि इस छ का जो परिवर्तन होगा वह तद्भव में ख में होता है, लेकिन हर का नहीं होता है, बहुत सारे शब्द हैं कि जो ख में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो आप दोनों रूपों में कह सकते हैं, तत्सम के छ का परिवर्तन तद्भव में ख में हो जाता है, या तद्भव के ख का परिवर्तन प्रायः तत्सम में छ में हो जाता है, या जैसे आपको कहना है आप स्वतंत्र हैं, कह सकते हैं। तो यहां पर यह देखा जा सकता है, जैसे मान लिया अखरोट है तो अखरोट का अक्षोट हो गया, अखाड़ा का अक्षवाट हो गया, अंगरखा का अंगरक्षक हो गया, आखा तीज का क्षत्रतिया हो गया, आंख का अक्ष हो गया, आखा का अक्षय हो गया, ईख का इक्षु हो गया। आप बहुत सारे ऐसे शब्दों पर बात कर सकते हैं, यानी अन्य शब्दों पर भी हम अगर बात करें तो यहां देख लीजिए, ये देखिए खत्री है, खत्री है तो खत्री का छत्री हो जाएगा, खीर है तो छीर हो जाएगा, कल मैं इस पर बात किया था, खुर है तो छुर हो जाएगा, खेत है तो क्षेत्र हो जाएगा, खेती है तो क्षेत्रित हो जाएगा, खोदना है तो छोदन हो जाएगा, तीखा है तो तीक्ष्ण हो जाएगा, दाख है तो द्राक्षा हो जाएगा, पंख या पाख है तो पक्ष हो जाएगा, पखवारा है तो पक्षवार हो जाएगा। यानी आपको तमाम शब्दों का यहां कलेक्शन मिलेगा, तमाम शब्द ऐसे हैं कि जो ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप तद्भव भी पहचान सकते हैं और तत्सम भी पहचान सकते हैं बिना आए हुए यानी बिना रटे हुए। यानी यह नियम दो पर भी देखिए, यहां पर राखी है, राखी है तो रक्षिका है,
रुख है तो वृक्ष है, रखा है तो रुक्ष है, लखन है तो लक्ष्मण है, लखपति है तो लक्ष्यपति है, तमाम सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ये तो नियम दो ये कहता है, अब नियम तीन पर आइए। यानी यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो है, यानी यहां से भी हम पहचान सकते हैं कि यह तद्भव है या तत्सम है। ठीक, नियम तीन पर आज मैं पहचानने की बात करूंगा। आज मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमको शब्द नहीं आता है, हमने शब्द नहीं सुना है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम हॉल में आ जाता है तो हम यह बताने में सक्षम हो जाते हैं या बताने की हमने हमारे पास ज्ञान है कि हम उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना रटे हुए, बिना जानकारी हुए, कुछ ये छोटे छोटे नियमों को जान करके, जिसमें मैंने अभी तक आपको दो नियम पर बात किया। तीसरा नियम पर हम आते हैं। तीसरा नियम कह रहा है री का प्रयोग, यानी री का प्रयोग, री स्वर का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में ही होता है। चलिए, यानी ये री कह रहे हैं, ये जो री होता है, यह री का प्रयोग किस में होता है? तत्सम में ही होता है। ठीक है, यानी ये प्रायः क्या होते हैं? तत्सम में ही प्रयोग होते हैं। अब देखिए, अब चाहे वह कुछ भी हो, हम अभी अन्य भी तुलना करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार आ जाता है फिर भी वो तद्भव रहते हैं। हम अभी आगे केवल आप ध्यान से सुनते रहिए, आगे हम अभी सारे डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले हम री पर बात करते हैं, यानी ये जो ह्रस्व स्वर है हमारा, री स्वर है, अगर ये आ जाता है तो वह तत्सम शब्द होते हैं। अब इसके देखिए दो रूप होते हैं। पहला तो ये री लिखा हुआ रहेगा, जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, दूसरा इसका रूप क्या होता है? जैसे आप लिखते हैं गृह लिखते हैं, ठीक है, आप लिखते हैं गृह लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये री है, तो एक तो आप शब्द लिखते हैं ऋषि लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऋण लिखते हैं ऐसा, सीधा सीधा आप लिख देते हैं ऐसा लिखते हैं। इसका दूसरा रूप क्या होता है? मात्रा के रूप में क्या होता है, यानी मात्रात्मक रूप में अगर हम कहें तो यह री जो है यह मात्रा है, यानी स्वर क्या होते हैं? मात्रा होते हैं। हम जब छंद पढ़ाएंगे तो छंद में इसका पुनः मैं उल्लेख करूंगा और इसका विस्तृत उल्लेख करूंगा कि कैसे यह होता है और कैसे लगता है, उस पर हम बात करेंगे। यहां पर क्या है, या तो यह इस रूप में आएगा, ठीक है, दूसरा इसका मात्रा रूप आता है। तो मात्रा रूप कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपने लिखा गृह लिखा, ठीक है, गृह लिखा, आपने क्या लिखा? कृषक लिखा, आपने कृषक लिखा, ठीक है। अब यहां पर यह देखिए, तो जब गृह लिखते हैं तो गृह का मतलब क्या हुआ? यहां पर देख लेते हैं गृह को, गृह का मतलब हुआ यह गौ हुआ और धन री हुआ, यह मिल करके क्या बनाते हैं? गृह बनाते हैं। गौ धन री मिलकर के क्या बनाएंगे? गृह। यानी यहां पर भी यह जो है यह री है, ठीक है, लेकिन यह री किस में आया है? मात्रा के रूप में आया है। तो यह समझिएगा, यह री आएगा तभी भी समझिएगा कि तत्सम होगा। अगर ऐसा री नहीं आएगा, ऐसा री आता है तभी भी समझिएगा वह शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है, यानी इसका दो रूपों में मैंने आपको प्रयोग बताया और दोनों रूपों में कैसे भी आता है वह समझिएगा तत्सम शब्द ही होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ शब्दों को, इसको हम देखते हैं। जैसे अब मान लीजिए लिखा है अमृत लिखा है, अमृत लिखा है, अब यहां पर देखिए री आ गया। कृत्य गृह लिखा है, यहां पर देखिए क्री आया और यहां पर क्या आया? गृह आया, कृत्य गृह। कृत्य गृह का तद्भव क्या होता है? कचहरी होता है। कचहरी का तत्सम क्या होता है? कृत्य गृह होता है। आप ऐसा गृह है, ऐसा घर है कि जहां कुछ कृत्य करके जाते हैं वही कचहरी हुआ। आप कुछ न कुछ कांड करके ही जाते हैं कचहरी में, तो वो कृत्य गृह हो गया।
घर है तो गृह है, यानी यहां पर री आ गया, यहां पर घृत है री आ गया, घृणा है री आ गया, हमको मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि पूछा गया है ये तृण क्या है, तृण जो है यह तत्सम है या तद्भव है, ठीक है, तो हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि आप यह पहचान जाइए यह शब्द जो है हमको पता नहीं है, लेकिन आप यह जान जाइए कि यह तत्सम है। जैसे मान लीजिए कि आप शब्द लिखते हैं, आपने शब्द लिखा, यहां पर एक शब्द लिखा, ऑप्शन ए लिखा गृह, ध्यान से इसको समझिएगा, ऑप्शन बी लिखा मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन सी लिखे घृत, ऑप्शन डी लिखे अमृत, ठीक है। हमको यह नहीं पता है कि भाई इसमें से तद्भव शब्द क्या है, और क्वेश्चंस पूछा है कि आप तद्भव शब्द बताइए, और हमको ये पता नहीं है कि यह तद्भव कौन सा शब्द है। बस इतना पता है कि जिस शब्द में री आते हैं, क्या आते हैं, री आते हैं, अब यह पूर्ण रूप आवे या इसका मात्रा रूप आवे, अगर आते हैं तो वह क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, वह क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अब आप इसमें देख लीजिए, इसमें गृह आया यानी ये आपका तत्सम हो गया, इसमें री आया ये तत्सम हो गया, इसमें री आया ये तत्सम हो गया, यानी रेस्ट अदर बचा क्या, मिट्टी, यानी कहीं ना कहीं ये क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। हमको पता है या नहीं पता है, फिर भी हमने क्या कर दिया, बिना जाने हुए इसको हम निकाल दिए। तो जहां पर आपको ऐसा मिलता है वहां समझिएगा कि क्या होगा, वह तद्भव, यानी री आता है तो तत्सम शब्द होगा, यह नियम तीन कहता है, ठीक है। नियम चार पर आइए, नियम चार क्या कहता है, नियम चार यह कहता है कि अगर रॉ का प्रयोग अर्ध रॉ का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द में ही होता है, चाहे वह रेप पदेन कोई भी हो, ये नियम चार कहता है। अब यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं नियम चार के बारे में, थोड़ा सा आपको अलग से समझा देते हैं। नियम चार कहता है कि अगर रॉ होता है तो रॉ यानी रेफ रॉ होते हैं, रेफ रॉ, ठीक है, रेफ रॉ, या पदेन रॉ होते हैं, ठीक है, चाहे रेफ रॉ आता है या पदेन रॉ आता है तो समझिएगा कि यह भी क्या होगा, तत्सम ही होगा, यानी ये शब्द तत्सम होंगे जहां पर ये आते हैं। तो पहली चीज रेफ रॉ क्या होते हैं, जो आप ऊपर का रॉ लगाते हैं, जिसको आप लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में उड़ंतु रॉ कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको, ऊपर वाला रॉ कहते हैं, या जो भी शब्द है आप चुरकी वाला रॉ कहते हैं, या कुछ भी कहते हो, जो भी आप जानते हो। जैसे आपने लिखा कर्म लिखा, ठीक है, कर्म, आपने लिखा धर्म लिखा, ठीक है, धर्म, तो ये जो रॉ हुआ, जो ऊपर वाला रॉ हुआ, जो आसमानी रॉ हुआ, जो उड़ंतु रॉ हुआ, या जो चुरकी वाला रॉ हुआ, जो भी है इसका नाम जैसे भी आप जानते हो, इस रॉ को व्याकरण में कहा जाता है रेफ रॉ। अब आप जैसे भी कहते हो इससे मुझसे लेना देना नहीं है, लेकिन व्याकरण में इसे कहा जाता है रेफ रॉ के नाम से जाना जाता है। तो यह रेफ रॉ जहां आते हैं वहां समझिएगा कि ये तत्सम शब्द होंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यानी ये पहला हुआ रेफ रॉ, दूसरा रॉ कहते हैं कि ये जो दूसरा रॉ है पदेन रॉ होता है। पदेन रॉ क्या होते हैं, यहां पर भी जो जिस शब्द में पदेन रॉ आते हैं वहां समझिएगा कि यह तत्सम शब्द ही होगा।
अपदेन र क्या होते हैं? जैसे आपने लिखा ग्रह, लिखा आपने क्या लिखा? ग्रह। तो ये जो है ना, ये जो आधा, ये जो तिरछा लग रहा है, ये क्या हुआ? पदेन र हुआ। अब लिखे प्रकाश, लिखे क्या लिख रहे हैं? प्रकाश लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे प्र बना रहे हैं तो यह क्या हो गया? पदेन र। आपने व्रज लिखा, व्रज लिखा, यहां पर क्या हो गया? पदेन र हुआ। तो दो चीजें, जहां पर रेफ र आते हैं अथवा जहां पर पदेन र आते हैं, वहां समझिएगा क्या हो जाएगा, यह तत्सम शब्द हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे कि हो सकता है कि आपको कहीं पदेन र आ जाए और फिर भी वो तद्भव शब्द हो। तो अगला नियम को लगाइए, देखिए कि अगले नियम को लगाइए, क्या पदेन र अगर आया, मान लीजिए कि कोई ऐसा शब्द है कि जिसमें रेफ र आया और तो तद्भव शब्द हुआ, तो आप देखिए अन्य कोई भी नियम का पालन कर रहा है, यानी हो सकता है कि अगले में एक ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें पदेन र भी लगा हो और रेफ र भी लगा हो, तब यानी विकल्प में क्या हो जाएगा? वह सही हो जाएगा। तो आप जितने नियम बता रहे हैं, अगर कोई नियम मान लीजिए कि क्रैश करता है, यानी वह तब भी तद्भव बना हुआ है, तो अगले नियम के आधार पर देखिए कि दो तीन नियम अगर एक ही शब्द में आ जाते हैं तो समझिएगा वो हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप निकालने का प्रयास करिएगा। आइए अब इस पर देखते हैं कि यहां पर जो मैंने आपको बताया पदेन र और रेफ र के बारे में, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कर्पूर है, ठीक है, यहां पर क्या हो गया? रेफ र, कार्य हो गया रेफ र, कार्तिक हो गया रेफ र, कर्ण हो गया रेफ र, कर्तन हो गया रेफ र, ठीक है, गर्दभ हो गया रेफ र, ग्राम हो गया रेफ, पदेन र, ग्राम में क्या हो जाएगा? पदेन र हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए पहर का प्रहर हो जाएगा रेफ, ये पदेन र, निद्रा हो गया पदेन र, ताम्र हो गया पदेन र, चक्रवाक हो गया पदेन र। यानी कि सीधा सीधा आपको अगर यह पदेन र आते हैं तो आप ये समझिएगा कि वह क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। आपको ये हमसे मतलब नहीं है कि आप, अब अलग बात है आप तद्भव देख लीजिए, उसके हम बात नहीं कर रहे हैं कि आप तद्भव मत देखें, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आप जान सकें कि यह अगर आ गया तो ऐसा शब्द तत्सम शब्द ही होगा, तद्भव नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले नियम पर चलते हैं। नियम पांच कहता क्या है? नियम पांच क्या कहता है? नियम पांच ये कहता है कि तद्भव में आए हुए सौ, सौ का तत्सम में स्र या श हो जाता है। छोड़िए, नियम जो कह रहा है उसको हटाइए, यहां पर जो लिखा गया है आपको इसका, इससे सरल आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए कि जहां पर आपको यह सौ आते हैं, इस सौ को कहते हैं तालव्य सौ, ठीक है, तालव्य सौ जहां आएगा, या जहां पर क्या आ जाए? स्र आ जाए, ठीक है, यह आ जाते हैं, वहां पर यह समझिएगा कि कौन सा शब्द होगा, वह शब्द तत्सम होगा। यानी कि हमने कहा कि अगर, चलिए यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, यहां पर मैंने कहा कि अगर ये तालव्य शो आते हैं तो, इसके अलावा अगर ये स्र आते हैं तो, अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। होता क्या है कि तद्भव में, यानी ये तो तत्सम हो जाएगा, चलिए ठीक है, अगर बाई देवे कभी सौ आ जाते हैं, यह सौ आ जाते हैं, तो यह सौ, यानी इसे हम दंत सौ कहते हैं, ठीक है, यानी ये सौ किस में आते हैं? प्रायः यह तद्भव में आते हैं, तद्भव में आते हैं, और यह किस में आते हैं?
तत्सम में आते हैं, तत्सम में आते हैं। अब यहां ये कह रहे हैं कि यह जो तद्भव का श है, यानी यह जो स है आएगा तो तद्भव, अब ये अगर तत्सम में परिवर्तन होता है तो यह किस में परिवर्तन हो जाएगा, या तो इस स में नहीं तो स्र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है सावन लिखा गया है, ठीक है सावन लिखा गया, यहां पर क्या आ गया स आ गया, अब यहां पर स आ गया तो इस स का परिवर्तन किस में हो जा रहा है, इस स्र में हो जा रहा है और यह क्या हो गया श्रावण हो गया। ठीक है, और न का भी परिवर्तन ल में हो जाता है, अभी उस पर भी हम बात करते हैं। यानी यह क्या हो गया श्रावण हो गया, यानी यह अगर मान लीजिए सिंग लिखा जाता है शिंग, ठीक है सिंग, तो शिंग लिखा जाता है, अब इसका जब हम परिवर्तन करेंगे तो किस में क्या हो जाएगा, तत्सम में क्या हो जाएगा श्रृंग हो जाएगा, तत्सम में क्या हो जाएगा श्रृंग हो जाएगा। यानी यहां पर आप जो भी है, जैसे सियार है श्रृंगाल है, सिंगार है तो श्रृंगार है, बहुत सारे ऐसे शब्दावलियां आपको मिल जाएंगे। यानी यहां पर अगर मान लीजिए हमने बांस लिखा, हमने क्या लिखा बांस लिखा, यहां पर तो दो रूप से पकड़ा जा रहे हैं बांस लिखा, यहां तो चंद्रबिंदु से यह तत्सम हो गया तद्भव हो गया और यह स से भी तद्भव हो गया, दोनों रूप से कह सकते हैं कि यह क्या है शब्द तद्भव है। पहला जिस पर चंद्रबिंदु आएगा, मैं पहले नियम में बताया था वह तद्भव होगा, दूसरा मैंने बताया कि अगर ये दंत श आते हैं तभी लगभग वह शब्द क्या होंगे तद्भव ही होंगे। अब इसका जो परिवर्तन होगा इसमें हो जाएगा वंश हो जाएगा, बांश का क्या हो जाएगा वंश, यानी इस स का परिवर्तन किस में हो गया इस स में हो गया, यानी तालब विश्व में दंत श का परिवर्तन किस में हो गया तालब विश्व में हो गया और यह शब्द क्या हो गए तत्सम हो गए। तो यहां पर अगर यह श आते हैं तालब विश्व और ये स्र आते हैं तो आप समझिएगा कि वह क्या होंगे, वह तत्सम शब्द होते हैं। आइए हम कुछ जो है अन्य शब्दों पर बात इसको देख लेते हैं। यहां पर देखिए सिंह है श्रृंग हो गया, सिंगार श्रृंगार, सेठ है तो सृष्टि है, सावन है तो सावन, आंसू है तो अश्रु है। चलिए आगे हम चलते हैं, यहां पर देख लीजिए 24 चतुर्विंशत रास है तो राशि हो गया, साग है तो शाक हो गया, सलाई है तो सलाका हो गया, सांवला है तो श्यामल हो गया, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। आपने देखा कि यह स आ गया, यह स आ गया, यहां पर स आ गया, यहां पर स आ गया, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे तत्सम हो गए। और इसी स यानी तद्भव में क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर सत्सई है सत्सई, तो यह क्या हो गए यह दंत स है और इस दंत के स का परिवर्तन किस में हो रहा है तालव्य स में हो जा रहा है, यानी तत्सम में यह तालव्य स में हो जाएगा। तो ऐसे शब्द के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे, मैंने कहा कुछ अपवाद भी हो सकते हैं इसके, अपवाद में भी जैसे यहां पर देखिए दिशावर लिखा गया है, यहां पर क्या है ये तालव्य स है लेकिन फिर भी क्या है ये तद्भव है, शक्कर है यानी यहां पर ये तालव्य स है तभी भी क्या है ये तद्भव है, इसका क्या हो दिशांतर होगा, इसका क्या होगा सरकरा होगा, ये सुघड़ है तो सुघट होगा, यहां पर देखिए ये शू है, ये शू है लेकिन फिर भी क्या होगा ये तत्सम होगा। तो ऐसे कुछ अपवाद हैं, थोड़े बहुत अपवाद हैं, मैं 100% की बात कभी नहीं कर रहा हूं, यानी एकाध 2% ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा शब्द मिलता है तो भी, ऐसा शब्द मिलता है तो भी जैसे इसी में से हम लेते हैं, ठीक है इसी में से क्वेश्चन हम लेते हैं और आपको सिद्ध करके बताते हैं, यानी कि आप कैसे पकड़ सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन दिया
ए ऑप्शन इसको बनाया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसको बनाया, ठीक है, और सी ऑप्शन इसको बनाया और डी ऑप्शन इसको बनाया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने चार ऑप्शन ले लिए, क्या अलग से लिखें यहीं पर आपको बता देते हैं, समय किल करने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए दिशावर लिखा और पूछा है निम्नलिखित में से, यानी इन चार विकल्पों में से, ये तीन विकल्प या और एक विकल्प, यहां डी मैं यहां लिख देता हूं तो आसानी हो जाएगा, डी विकल्प यहां लिखा है, सरकरा लिखा है, ठीक है। यहां पूछा है, क्वेश्चंस पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए, अब यहां पर मैं आपको जो अभी तक बताया है उसका एक अप्लाई कर रहा हूं कि आप कैसे जानेंगे। मैंने यह बताया इसके पहले, अगर ये श आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, ऐसा मैंने बताया। यहां पर श आ गए इसलिए लग रहा है कि तत्सम है, चलिए भैया अभी तो देख लेते हैं। दूसरा, यहां पर भी ये श आ गया, यह भी तत्सम लग रहा है। तीसरा, ये श आ गया तो ये तो तद्भव हो गया, ये तो मैंने आपको बताया है, चलिए। तीसरा, चौथा है, यहां पर भी श आया, ये भी तत्सम लग रहा है। अब अगले पर बढ़िए, अगले पर बढ़िए, मैंने ये भी बताया था कि जहां पर रेफ र आते हैं वह भी क्या होता है, तत्सम होता है। यानी यहां पर एक सौ मिला तत्सम का, यहां पर दूसरे से और प्रमाणित हो गया कि यानी दो आ गया, यानी नियम का दो दो नियम एक शब्द पर आ गए, इसलिए यहां पर यह जो है खंडित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, और दो नियम बढ़त ले लिया, एक नियम से यह क्या ले लिया, बढ़त ले लिया, इसलिए शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। यानी आप अगर एक नियम कहीं पर अन्य विकल्पों में दिया गया है तो आप दो नियम पर जाइए, क्या किसी शब्द में दो नियम फॉलो कर रहे हैं, अगर मान लीजिए दो नियम के शब्द दिए हैं तो आप तीन नियम पर जाइए, क्या देखिए कोई शब्द ऐसा है जो तीन नियमों का तत्सम है, अगर तीन नियमों का तत्सम है तो उसको लगाइए। तो ये आप बढ़ते हुए क्रम में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और पहचान सकते हैं, जान सकते हैं बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए। चलिए आगे हम चलते हैं, यानी अगले नियम पर हम चलते हैं, नियम छह। नियम छह कह रहे हैं कि ये जो श होगा, श यानी यह मूर्धन्य श, इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य श, अगर आते हैं तो यह तत्सम होते हैं, यानी इसका प्रयोग हमेशा प्रायः तत्सम में होता है, ठीक है। यानी आपको मैंने बताया यह स भी क्या होते हैं, तत्सम में प्रयोग होते हैं प्रायः, और यह श भी क्या होते हैं, तत्सम में प्रयोग होते हैं, चाहे यह पूरा लिखे गए हो, यानी ऐसे लिखे गए हो, ठीक है, या आपको ऐसे लिखे गए हो, यानी इसका आधा रूप लिखा गया हो, अगर ये आते हैं तो क्या हो जाते हैं, तत्सम शब्द हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिखा गया है ओष्ठ, लिखा गया है यहां पर देखिए ओष्ठ, इष्ट लिखा गया है, उष्ट लिखा गया है, कोष्ट लिखा गया है, काष्ट लिखा गया है, ठीक है, यानी हमने काठ लिखा और काठ का क्या हो जाता है, काष्ट हो जाता है, तत्सम। तो ये जो है आधा, ये जो मूर्धन्य श है, पूरा आता है या आधा आता है तो वह समझिएगा कि क्या होंगे, वह तत्सम शब्द ही होते हैं, क्लियर। अगर मान लीजिए जैसे देखिए यहां पर किसान है तो क्या हो गया, कृषक हो गया। अब यहां पर देखिए अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा शब्द मिला कि जिसमें, यहां पर देखिए अगर एक से नहीं बनता, मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया गया हो, एक से नहीं बनता कि आपको लगता है एक नियम फॉलो कर रहा है किसका, री का, यहां क्री, यानी मैंने बताया था अगर री आते हैं तो भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, इसका ऐसा भी, एक री हो गया, एक श हो गया, यानी दो दो नियम यहां फॉलो हो रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे और बढ़ते हैं,
तो आगे बढ़ते हैं। तो एक और आपको, जैसे कभी देखिए तीन नियम हो सकता है आपको आ जाएं, एक नियम अभी मैं बताए नहीं हूं, यानी जहां पर नौ आता है, नौ समझिएगा कि वो क्या होंगे, तद्भव होंगे, और नौ का परिवर्तन किस में होता है, ड़ में होता है। नौ का परिवर्तन किस में होता है, ड़ में होता है। या ये कह लें कि जहां पर ड़ आएगा वह तत्सम होगा, जहां पर ड़ आएगा वह तत्सम हो जाएगा, जहां पर नौ आएगा वह तद्भव हो जाएगा। ठीक है, वह तद्भव हो जाएगा। तो यहां पर नौ अगर आता है तो तद्भव, और ड़ आता है तो तत्सम। अब देखिए कि यहां पर आप देखेंगे तो क्रि एक नियम तत्सम का, पहला नियम, स दूसरा नियम, ळ तीसरा नियम, यानी यह तीन शब्द जो है, यह तीन शब्द जिसको आप ढाई शब्द बोल सकते हैं, आधा बोल सकते हैं, ढाई वर्ण, यानी यहां पर तीनों यह क्या है, पूर्णतः यह तत्सम है, पूर्णतः तत्सम, पूर्णतः तत्सम का मतलब ये तीनों के तीनों वर्ण क्या है, नियम के अकॉर्डिंग तत्सम हो जाते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा शब्द, मान लीजिए कृष्ण दे दे, ऑप्शन ऐसा दे दे, कृष्ण दे दे, एक ऑप्शन ऐसा भी बना सकता है कि ऑप्शन ए, और कोई अन्य शब्द चतुष्कोण दे दे, चतुष्कोण दे दे, अगर मान लीजिए एक ऑप्शन बना दिया यहां पर, इसको जैसे आपको ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन ने बी ऑप्शन बनाया, चौकोर बना दिया, चलिए चौकोर बना दिया, सी ऑप्शन क्या बना दिया, चतुष्कोण बना दिया, और डी ऑप्शन बना दिया, कृष्ण बना दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्रि और श तो आया, लेकिन न आ गया, इसलिए क्या हो गया, तद्भव हो गया, खत्म कहानी। चौकोर में कोई बात नहीं है, ये तो तद्भव ऑलरेडी है। चतुष्कोण है, यहां पर देखिए आधा श आया तो यहां पर न आ गया, ये एक नियम फॉलो कर रहा है तत्सम का, लेकिन यहां पर ये नियम कह दे रहा है कि यह तद्भव का नियम है, तो इसलिए ये भी यहां खत्म हो गया। तो पूर्णतः यहां पर देखिए तीनों नियम आ गए हैं, यानी रि भी आ गया है, श भी आ गया है, न भी आ गया है, इसलिए इसमें तत्सम शब्द क्या होगा, कृष्ण हो जाएगा। तो आप इस आधार पर भी पहचान सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से शब्द तत्सम हैं और कौन से शब्द तद्भव हैं। यहां पर देखिए एक नियम और देखिए, नियम सात कहते हैं व का प्रयोग सदैव तत्सम में होता है, यानी दो यहां पर देखिए, यानी व जो होते हैं ये क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। व क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, पहला चीज व तत्सम। इसका परिवर्तन किस में होता है, ब में होता है, और जहां ब आते हैं वह क्या हो जाते हैं, तद्भव हो जाते हैं। ब आते हैं तो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है, यानी कि अगर व आएगा तो तत्सम हो जाएगा और ब आएगा तो तद्भव हो जाएगा। एक नियम और, यानी इस नियम के आधार पर भी आप बता सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आप यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए लिखा गया है बादल, लिखा गया है तो वारिद, वारिद हो सकता है, बरसात लिखा गया है तो वर्षा हो जाएगा, बरसात लिखा गया है तो बरसात का क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर वर्षा लिखा गया है, हो सकता है कि वर्षा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अब आप यहां पर ये मत सोचिएगा कि मैंने तो ये बताया है कि ये जो मूर्धन्य ष है ये तत्सम में होता है। देखिए क्या अगला भी कुछ नियम फॉलो कर रहा है, कोई ऐसा शब्द है, अगर है तो देख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यानी यहां पर और एक ऑप्शन ऑलरेडी ऐसा दिया गया है कि जो वर्षा दिया गया है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप इस नियम को ध्यान में रख करके बात करेंगे। अगर बारात है
तो बारात का क्या हो जाएगा, वर यात्रा हो जाएगा, वर यात्रा। बारात आप करते हैं तो बारात करते हैं मतलब क्या, वर की यात्रा करते हैं, तो जो वर है उसी की यात्रा होती है तो बारात आप कहते हैं, तो यह वर यात्रा हो गया। ठीक है, तो यानी ये कुछ अपना करके, ट्रिक्स अपना करके, अब इसको आप ट्रिक कह लीजिए या फार्मूला कह लीजिए या जो इच्छा है आपको, आप स्वतंत्र हैं कहने के लिए। आज के समय में जैसे लोग पढ़ा रहे हैं उसमें जो ट्रिक कह रहे हैं कि ये मेरे ट्रिक है, तो इस ट्रिक ही मान लीजिए। आप जैसे भी हो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो ट्रिक कहिए, फार्मूला कहिए, निम्नक्स कहिए या जो कुछ कहिए। हमारा सेंस है कि आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल लें, यानी यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी बिना हमको शब्द रटे हुए, बिना याद किए हुए हम क्या करेंगे, उस शब्द को पहचान लेंगे कि यह तद्भव है या तत्सम है। आप त्र भी आता है तभी भी समझिएगा, यानी छ आते हैं तभी भी, त्र आते हैं तभी भी ये समझिएगा ये तत्सम में आते हैं, व आते हैं तभी भी तत्सम में आते हैं, स्र आता है तभी भी तत्सम में आता है, ळ आता है तभी भी ये तत्सम में आता है, श आते हैं तभी भी ये तत्सम में आते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे वर्ण मिल जाएंगे। यानी मैंने जितने शब्दों पर बात किया, अगर आप इस नियम को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे, एक दो बार पढ़ लेते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे कि जो आपको आते ही नहीं हैं, फिर भी इन नियमों के आधार पर आप क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो ठीक है, यानी आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में इसी के आगे हम बात करते हैं और भी देखते हैं कि कैसे, अगर ये नियम है तो अप्लाई हुआ है कि नहीं, कुछ क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे, पुनः आगे हम शब्दावलियों पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।